गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर हूं मैं आज आपके सामने डेवऑप्स का लेक्चर नंबर 26 लेके, जिसमें आज हम देखेंगे कि भैया डॉकर पे कैसे काम होता है, कैसे कंटेनर क्रिएट होता है, और आज हम डॉकर की पहली बुनियादी लैब करके देखने वाले हैं। इसके बाद एडवांस टॉपिक भी कराऊंगा, डॉकर की जो लैब है उसमें और ज्यादा डिटेल में जाएंगे, बट आज बुनियादी लैब शुरू होने वाली है, बेहद इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा और बार बार इसको ट्राई करिए। अगर मेरे लेक्चर आने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है तो आप उसके बीच में बाकी लेक्चर्स को रिवाइज करते रहिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है किसी प्लेटफॉर्म पे, या ज्यादा आप ये सोचें कि मेरे को इससे ज्यादा डीप में पढ़ना है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मेरे लेक्चर्स पे फोकस करें, जो नोट्स मैं लिखवा रहा हूं उन पे फोकस करें। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूं थोड़ा सा, सो दैट आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहां पे बुनियादी मैंने डॉकर की कमांड्स लिख दी हैं और उसके बाद मैं लैब में आपको ये करके दिखाऊंगा। डॉकर सबसे आसान है, डेवऑप्स के अंदर सबसे इजी टूल है, इस पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें क्योंकि ये बड़ा दिलचस्प भी है। तो यहां पे कुछ बुनियादी लैब कमांड्स मैंने लिखी हैं जिन्हें हमें देखना है। इसको भी हम एज यूजुअल अपने AWS के अकाउंट के ऊपर करेंगे, बट डॉकर आप कहीं भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके लैपटॉप में विंडो मशीन है तो आप डॉकर टूल इंस्टॉल करके वहां पर भी लैब कर सकते हैं, बट आई विल रिकमेंड कि आप मेरे को एग्जैक्ट कॉपी करें, जो मैं कर रहा हूं आप सेम टू सेम करें, सो दैट आप कहीं पर भी स्टक नहीं होंगे, आप फंसेंगे नहीं कहीं पर। एक बार जब आप वहां पर जैसे मैं करा रहा हूं वैसे कर लेंगे, तब उसके बाद आप कहीं पर भी करके देखें, कोई इशू नहीं है। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि सिर्फ मेरे लेक्चर में जहां जो चीज जैसे करता हूं आप वो वैसे करें, क्योंकि ये कहा जाता है क्लास में भी, जब तक हम अपने टीचर को, अपने उस्ताद को फॉलो नहीं करेंगे, हम अच्छे बंदे नहीं बन सकते, हम अच्छे उस चीज में एक्सपर्ट नहीं बन सकते। आप पहले मुझे कॉपी करें, मेरे को देखें मैं कैसे कर रहा हूं, आप एग्जैक्ट वो करें। अगली बार जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, आपको लगे कि हां अब मैं कुछ नया कर सकता हूं, आप गूगल करें, कोई नए नए डॉक्यूमेंटेशन डॉकर की उठाएं और नई नई कमांड्स आप चला के देखें, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। यहां पे कुछ बुनियादी कमांड है, जैसे मैंने यहां पे वो कमांड्स लिख दी है, मैं लैब में आपको ये सारी कमांड सीक्वेंस में करके दिखाऊंगा। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स लिखी हैं और आगे आने वाले लेक्चर्स में भी मैं डॉकर की इंपॉर्टेंट कमांड इसी तरीके से लिखूंगा और आपको करके दिखाऊंगा। पहली कमांड है टू सी ऑल इमेजेस प्रेजेंट इन योर लोकल मशीन। देखें, जब हम डॉकर इंस्टॉल कर लेंगे, सबसे पहले हम अपनी AWS मशीन बनाएंगे, पुटी के थ्रू एक्सेस करेंगे, एक्सेस करने के बाद वहां पे पहले डॉकर इंस्टॉल करेंगे। सिंपल कमांड है yum install, उसके लिए आपने कुछ नहीं करना, yum install docker, लेकिन इसके लिए हम वो मशीन सिलेक्ट करेंगे AWS की जिसमें डॉकर पहले से है, ताकि हमें वो डाउनलोड ना करना पड़े। yum install docker, जैसे ही करेंगे आप -y तो आपका डॉकर आपकी मशीन में इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आप ये सारी कमांड चला के दे सकते हैं, मैं लैब में आपको करके दिखाऊंगा। तो पहली कमांड है इमेजेस की। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपके डॉकर में, जो आपका डॉकर इंजन है, उसमें कौन कौन सी इमेजेस पड़ी हुई हैं पहले से, या आप किसी सिनेरियो में काम कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप ये देखना चाहते हैं कौन कौन सी इमेजेस अवेलेबल है मेरी मशीन के ऊपर, मेरे डॉकर इंजन पे, तो उसे देखने का तरीका क्या है, सिंपल लिखना है डॉकर स्पेस इमेजेस। आप डॉकर इमेजेस आप लिखेंगे, स्पेस है दोनों के बीच में, आप लिखेंगे, आपको सारी इमेजेस नजर आ जाएंगी जो आपकी मशीन पे पड़ी है। देखें, आप बात को समझे, ये मेरा हब है, डॉकर हब है, डॉकर हब, यहां पे मेरा होस्ट है, इस होस्ट के ऊपर मेरा डॉकर इंजन पड़ा हुआ है, डॉकर डायमंड आप जिसे कहते हैं, और यहां इसके ऊपर हम कंटेनर क्रिएट करते हैं। तो एक्चुअली में जो, जब भी आप फर्स्ट टाइम कोई इमेज हब से लेकर आते हैं तो उसकी एक कॉपी डॉकर डायमंड अपने पास रख लेता है, ताकि फ्यूचर में जब कोई यही चीज मेरे से मांगे तो मेरे को वहां ना जाना पड़े, मैं इसको खुद से दे दूं। तो वो इमेजेस कहां नजर आएंगे, इस कमांड से नजर आएंगे, जो जो इमेजेस लोकली यहां पड़ी हुई होंगी वो आपको नजर आ जाएंगी। उसके बाद अगर आप ये देखना चाहते हैं कि डॉकर हब के अंदर कौन कौन सी इमेजेस पड़ी हैं, आप यहां पर हैं, आप अपनी मशीन के ऊपर हैं, आप अपने EC2 इंस्टांस के अंदर डॉकर के ऊपर हैं, आप EC2 इंस्टांस में रहते हुए ये चेक करना चाहते हैं कि डॉकर हब पे कौन कौन सी इमेजेस पड़ी हुई हैं, किसी भी चीज से रिलेटेड, उबंटू की, जेनकिंस की, शेफ की, किसी भी चीज की, तो उसके लिए क्या है कमांड, डॉकर सर्च और उसके बाद उस चीज का नाम। जैसे आप यहां जेनकिंस लिख दें, आप जेनकिंस की जगह यहां पर उबंटू लिख दें, तो ये क्या होगा, उबंटू से रिलेटेड जितनी इमेजेस होंगी डॉकर हब के ऊपर, वो सारी आपको आपकी मशीन पे नजर आ जाएंगी। अगर कहीं किसी भी कमांड में आपको समझ नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, क्योंकि लैब में सब कुछ करके दिखाऊंगा, सारी कमांड्स का इस्तेमाल मैं करके दिखाऊंगा।
अगर आप डॉकर हब से इमेज उठाकर लाना चाहते हैं, डॉकर हब से आप अपने यहां पर डॉकर डायमंड पे लेके आना चाहते हैं, लोकल मशीन पर उस इमेज को लेकर आना चाहते हैं, तो कमांड क्या है, डॉकर पुल, पुल का मतलब उठाकर लाना, डॉकर पुल, और उस सॉफ्टवेयर का नाम, उस टूल का नाम जो आप चाहते हैं, जैसे कि जेनकिंस हम लिखना चाहते हैं, हम यहां पे सेंट ओएस लिख देते हैं, तो ये क्या करेगा, हब पर जाएगा डॉकर, डॉकर इंजन हमारा हब पर जाएगा, डॉकर का मतलब डॉकर इंजन ही है, हम डॉकर इंजन को कह रहे हैं कि पुल करके लाओ, क्या करके लाओ, सेंट ओएस को पुल करके लाओ, तो सेंट ओएस की जो भी इमेज हब पर पड़ी होगी वो हब से उठाकर यहां ले आएगा, डॉकर डायमंड जाएगा और हब से उठा के लाएगा, सिंपल कमांड है, आपको कुछ नहीं करना, आपको खाली ये कमांड लिखनी है, इमेज से उठ के आ जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए कि ये इमेज वहां पे इस नाम से है या नहीं है, उसके लिए क्या करना है, आपको सर्च करना है, डॉकर सर्च सेंट ओएस आप करें यहां पे, तो आपको सेंट ओएस के सारे वर्जन जो जो हब में अवेलेबल है वो आपको आपकी मशीन पे नजर आ जाएंगे, अब आप जिसको भी वहां से लेकर आना चाहते हैं उसका नाम लिखें और पुल कर ले, पुल का मतलब वहां से उठा के लाना, उठा के सिर्फ लाया हूं मैंने, उसकी एक इमेज लाके रख ली है अपने पास, एक इमेज जो है कॉपी कर ली है, अब जब कभी भी मेरे को ये बंदा बोलेगा कि भाई सेंटोवेस का कंटेनर बनाना है, मुझे सेंटोवेस वाला कंटेनर बनाना है, तो मुझे हब पे नहीं जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैं पहले पुल करके सेंटोवेस की इमेज ला चुका हूं अपने पास, तो ये कई सारे हमारे पास कमांड्स होती हैं, हम लाकर रख सकते हैं फ्यूचर पर्पस के लिए, या हम डायरेक्ट वहां से लाके रन भी करा सकते हैं, रन कराने का क्या तरीका है, आप सिंपल एक कमांड लिखेंगे, आपको ये पुल वाली कमांड लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कमांड लिखें डॉकर रन, रन का मतलब क्या होता है, रन में एक्चुअली रन दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, एक तो क्रिएट का और एक आपका स्टार्ट का, क्रिएट का मतलब है कि भाई पहले आप इमेज क्रिएट करो, जहां से लेकर आनी है वहां से लाओ, क्रिएट करो वो इंजन पे, डॉकर इंजन पे आप लाके पहले एक इमेज रख लो और उस इमेज से फिर आप एक कंटेनर क्रिएट करो, तो आप यहां रन का मतलब होता है क्रिएट प्लस स्टार्ट, ये पहले इमेज को लाएगा, क्रिएट करेगा, या तो डॉकर फाइल से क्रिएट करेगा या ये हब से लेकर आएगा, वो आप इसको बताओगे, ठीक है, तो आप कहते हो कि भाई क्रिएट करो और स्टार्ट करो, तो जैसे ही आप कमांड लिखोगे डॉकर रन -it जो है दो चीजों से मिलकर बना है, -i से और -t से, आप चाहे तो दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं, चाहे तो एक साथ लिख सकते हैं -it करके, i का मतलब होता है इंटरैक्टिव मोड, इंटरैक्टिव मोड मतलब मैं बाद में काम कर सकूं, मैं इसको रन कराने के बाद इस पे काम कर सकूं, इस कंटेनर को इंटरैक्टिव बना दो, और t का मतलब होता है टर्मिनल, टर्मिनल क्या होता है, जहां आप कमांड लाइन लिखते हैं तो वो टर्मिनल ओपन हो जाना चाहिए आपके कंटेनर का, तो आप -it लिखेंगे, नेम अगर आप देना चाहते हैं तो आप अपने कंटेनर को नेम भी दे सकते हैं, उसके लिए आपको -- नेम लिखना पड़ेगा और वो नाम लिखना पड़ेगा जो नाम आप कंटेनर को देना चाहते हैं, एक्चुअली में यहां पर दो कमांड्स का कॉम्बिनेशन है, टू गिव नेम टू कंटेनर, यहां पर कंटेनर बना भी रहे हैं और उसको नाम भी दे रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक बड़ी कमांड है, सबसे पॉपुलर कमांड है जो आपको यूज करनी है, ठीक है, आप चाहें तो यहां पे ये वाला चीज हिस्सा हटा भी सकते हैं, -- नेम भूपिंदर, उस केस में क्या होगा, इसका जो डिफॉल्ट नाम है वो अपने आप वो ले लेगी, मशीन अपने आप इसका डिफॉल्ट नाम ले लेगी, तो कमांड क्या है, डॉकर रन -it -name भूपिंदर, ताकि मेरे कंटेनर का जो नाम है वो भूपिंदर हो जाएगा, उबंटू में इमेज है जो मैं लेकर आना चाहता हूं डॉकर हब से, तो वो इमेज का नाम मुझे यहां लिखना है जो भी मैं हब से लेके आना चाहता हूं, उबंटू हो सकती है, जेनकिंस हो सकती है, सेंटोएस हो सकती है, और उसके बाद /bin/bash ये आपको लिखना पड़ेगा, यानी उबंटू लिखेंगे स्पेस करके /bin/bash, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आप बैश जो है आपका ये इस टर्मिनल के लिए है, यानी आप वहां पे कमांड्स अपनी रन करा सके, उसके लिए हम /bin/bash करते हैं ताकि सारी कमांड्स हमारी चल सके, बैश कमांड्स। उसके बाद टू चेक सर्विस इज स्टार्ट और नॉट, अब आप कोई भी जब आपने डॉकर इंस्टॉल कर दिया तो हम ये देखना चाहते हैं कि डॉकर हमारा चालू भी है कि नहीं है, डॉकर सर्विस स्टार्ट हो भी गई है नहीं हुई है, डॉकर इंजन स्टॉप तो नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि पहले डॉकर स्टार्ट होगा तभी तो कंटेनर बनेगा या वो हब से लेकर आएगा, ये सारे काम करेगा, तो उसके लिए क्या कमांड होती है, आप चेक करना चाहते हैं हमारा डॉकर इंजन चालू है या नहीं है, सर्विस डॉकर स्टेटस, स्टेटस लिखने से क्या होगा, या तो वो आपका वो दिखा देगा कि ये अभी आपका स्टार्ट नहीं है, या वो दिखा देगा इज रनिंग, डॉकर इज रनिंग, तो वो स्टेटस आपको नजर आ जाएगा, सर्विस डॉकर स्टेटस कमांड है, इससे आपको पता चलता है डॉकर इंजन चालू है या नहीं है। कंटेनर को स्टार्ट करना है, अगर हमारा कंटेनर
स्टॉक पड़ा हुआ है, हमने कंटेनर बना लिया है और कंटेनर बनाने के बाद हमने एग्जिट कर दिया। आप याद रखिएगा, कंटेनर आप जब भी एग्जिट करेंगे कंटेनर अपने आप स्टॉप हो जाता है, कंटेनर से बाहर आते ही वो अपने आप स्टॉप हो जाता है। अब अगर आप उसको दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं उस कंटेनर को, तो सिंपल सी कमांड है डॉकर स्टार्ट और उस कंटेनर का नाम, दिस इज कंटेनर नेम, दिस इज कंटेनर नेम। ओके, आई थिंक मुझे यहां पे ये इसी तरीके से लिखना चाहिए था, दिस इज इमेज नेम, ये इमेज का नेम है, तो आप शायद कंफ्यूज ना हो, ये इमेज का नेम है, ये भी इमेज का नेम है, राइट तो ये इमेज के नेम है और ये कंटेनर का नाम, जो भी आप जिसको भी जिस कंटेनर को आप स्टार्ट करना चाहते हैं वो नाम आप यहां पर उसका लिख दें, वो कंटेनर स्टार्ट हो जाएगा। अब आप अगर कंटेनर स्टार्ट हो चुका है तो कंटेनर के अंदर जाना चाहते हैं ताकि मैं काम कर सकूं उस कंटेनर में, जो भी काम मुझे करना है, उसके लिए क्या कमांड है, डॉकर अटैच कंटेनर नेम। अटैच का मतलब है मैं कंटेनर के अंदर आ जाऊंगा, लेकिन उसके लिए वो स्टार्ट होना चाहिए, स्टार्ट है तभी अंदर जा पाएंगे। आप कमांड चलाएंगे डॉकर अटैच, अटैच का मतलब मुझे कंटेनर से अटैच करो और उसमें काम करने का मौका दो। और ये क्या है, ये कंटेनर का नेम है, तो मैं कुछ भी नाम रख सकता हूं। मैंने कंटेनर नेम जो है मेरा वो भूपिंदर यहां पे लिया हुआ है, ठीक है। टू सी ऑल कंटेनर्स, अब आप जैसे सिनेरियो में काम कर रहे हैं, आपने लैब करेंगे, जब मैं भी लैब करूंगा तो कई सारे कंटेनर क्रिएट हो जाएंगे। अब मैं देखना चाहता हूं कौन कौन से कंटेनर बन चुके हैं, ठीक है, कितने कंटेनर बने हुए हैं मेरे, तो कंटेनर कितने बने हुए हैं उसके लिए देखने के लिए एक कमांड होती है डॉकर ps हाइफन ए। ps का मतलब होता है प्रोसेस स्टेटस, यहां लिखा भी हुआ है प्रोसेस स्टेटस, यानी स्टेटस क्या है, मेरे कितने कंटेनर चालू हैं, और हाइफन ए का मतलब क्या होता है, ऑल। तो मुझे सारे कंटेनर का स्टेटस दो जितने भी मेरे चालू हैं, बंद हैं, दोनों। ps हाइफन ए में याद रखना, इन दोनों कमांड में डिफरेंस है। यहां अगर आप खाली ps लिखते हो तो ये सिर्फ रनिंग कंटेनर का स्टेटस बताएगा, लेकिन अगर आप ps के साथ हाइफन ए लगाते हो तो ऑल यहां पर है, ए का मतलब ऑल, यानी स्टॉप जो कंटेनर है, जो कंटेनर चालू नहीं है, बंद हो चुके हैं, उनका भी मेरे को डिटेल दो। तो उसके लिए डॉकर ps हाइफन ए, तो टू सी ऑल कंटेनर्स कमांड होगी डॉकर ps हाइफन ए, और खाली रनिंग कंटेनर देखना चाहते हो तो कमांड होगी डॉकर ps, और ये बहुत फेमस कमांड है डॉकर के अंदर, डॉकर ps, ये सब आपको याद होनी चाहिए। रनिंग के लिए ps है, और स्टॉप और रनिंग दोनों देखना चाहते हो तो ps के साथ हाइफन ए आप लगा देना, ठीक है। अब आप अपने चलते हुए कंटेनर को बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड क्या है, डॉकर स्टॉप एंड कंटेनर नेम। जो भी आप कंटेनर स्टॉप करना चाहते हैं उसे आप स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंटेनर का चालू होना जरूरी है, और कंटेनर के बाहर आके आप उसे स्टॉप करेंगे, कंटेनर के अंदर रह के आप स्टॉप नहीं कर सकते। तो कंटेनर के बाहर आप आ जाएं पहले और फिर आप उसको स्टॉप करें, ठीक है। तो आप कंटेनर को स्टॉप कर दें। अगर आप अपने किसी कंटेनर को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड क्या है, डॉकर rm, rm मतलब रिमूव, रिमूव कर दें, और किसको रिमूव करना है, कंटेनर का नाम, कंटेनर नेम। आप जो है वो जिस भी कंटेनर को रिमूव करना, देखो कितनी आसान कमांड है, डॉकर स्टार्ट, डॉकर rm, डॉकर अटैच, डॉकर स्टार्ट, डॉकर स्टॉप, और आगे कंटेनर का नाम, बस इससे आसान कुछ हो सकता है, डॉकर लिखते जाओ। देखो सब में पहले डॉकर लिखा हुआ है, ये चीज आप याद रखिएगा, कोई भी कमांड है मैक्सिमम कमांड स्टार्टिंग में पहला डॉकर लिखा होगा, क्यों, क्योंकि हम डॉकर इंजन को कॉल कर रहे हैं, कि पहले हम डॉकर को कॉल करेंगे तब आगे उसको बताएंगे कि तुम्हें स्टार्ट करना है या स्टॉप करना है या ps तुम्हें प्रोसेस स्टेटस बताना है। तो हर कमांड में पहले डॉकर लिखा होगा, उसके बाद स्टार्ट स्टॉप जो कुछ भी करना है वो आप करेंगे। तो आप देखें हर जगह डॉकर से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये एक सिमिलैरिटी है जो आपको याद रखनी है, कि हर कमांड स्टार्ट डॉकर से होगी, उसके बाद इमेजेस आप लिखोगे, तो जितनी इमेजेस आपकी मशीन पे, ये कौन सी इमेजेस बता रहा है मुझे, अगर मैं डॉकर इमेजेस लिखता हूं, जो इमेज मेरी लोकल मशीन पे, यानी जहां मेरा होस्ट है जिसके ऊपर डॉकर इंजन चल रहा है, वहां मेरी कौन कौन सी इमेजेस पड़ी है वो ये बताएगा। अगर आप डॉकर हब पे कौन कौन सी इमेजेस पड़ी है तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए कमांड क्या है, डॉकर सर्च, और उसके बाद उस
सॉफ्टवेयर का नाम जो आप सर्च करना चाहते हैं कि वहां हब पे कौन कौन से कितने वर्जन इसके पड़े हुए हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि डॉकर हब के ऊपर सेंटोस के कितनी इमेजेस पड़ी हुई हैं, तो उसके लिए आप सर्च करेंगे डॉकर सर्च। तो जब ये सर्च करेगा तो ये लोकल मशीन में सर्च नहीं करेगा, ये हब पे सर्च करेगा। हब के ऊपर जितनी मशीन इमेजेस पड़ी हैं ये सारी आपको लाकर आउटपुट में दे देगा। तो ये बहुत सारी कमांड्स हैं, कुछ बेसिक कमांड है जो आज के लेक्चर में हमें अब एग्जीक्यूट करके देखनी है। मैं आपको सीधा अब लैब पे लेके चलता हूं और फाइनली वहां ये सारी चीजें करके दिखाता हूं। तो लो जी, आ गए हम अपने AWS अकाउंट के ऊपर और आज हमें डॉकर की लैब करनी है, तो मैं आपको वो दिखा देता हूं। तो सर्विसेज में चलते हैं सबसे पहले और एक EC2 इंस्टांस लॉन्च कर लेते हैं जिसमें हमें हमारा कंटेनर बनाना पड़ेगा। तो EC2 पे चलते हैं। यहां देखिए अभी रनिंग इंस्टांस मेरे जीरो हैं, तो मैं इस पे क्लिक करता हूं, लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करता हूं। यहां पे देखें मेरे पास जो लिनक्स है ना, इस बार कई सारी लिनक्स है मेरे पास। हम हमेशा ये वाली लेते थे, ये जो पहले वाली है हम हमेशा ये लेते थे, लेकिन इस बार हमें ये वाली लेनी है। रीजन क्या है कि इसके अंदर डॉकर पहले से है, इंक्लूड डॉकर। तो यहां पे हमें डॉकर जो है अलग से इसमें वो नहीं करना पड़ेगा, डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हमें इंस्टॉल करना है क्योंकि डॉकर इसके अंदर पहले से पड़ा हुआ है। अगर नहीं है तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, कोई इशू नहीं है, वो आपको पता है डब्ल्यू गेट करके कैसे हमें डाउनलोड करना पड़ता है, सब आपको पता है। लेकिन फिलहाल ये यहाँ पे पहले से है तो इसे ले लेते हैं और सिलेक्ट करते हैं। और मैं मुंबई रीजन में हूँ तो आप भी इसी रीजन में लैब करें ताकि कोई कंफ्यूजन या अलग इंटरफेस आपको ना दिखे। सिलेक्ट पे क्लिक करें। अब यहाँ पे आप T2 माइक्रो ले लें क्योंकि ये फ्री है। आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे एक ही इंस्टांस हमें बनाना है, सब कुछ बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रहने दें आप, आपको कुछ चेंज नहीं करना है। और ये आपकी पब्लिक IP इनेबल होगी, आप देख सकते हैं। आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ स्टोरेज भी ऐसे ही रहने दें, कुछ नहीं करना आपको। आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ टैग देना चाहें दे दें आप, होस्ट यहाँ पे डाल देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप में आपको दो चीजें लेनी है, SSH और HTTP। ये दो चीजें आपको लेनी है, आप दोनों ले लें और यहाँ पे आप एनीवेयर कर दें। और करने के बाद आप इसको नाम देना चाहें तो आप नाम भी दे दें, डॉकर SG के नाम से आप इसे बना सकते हैं और रिव्यू एंड लॉन्च करें। इसके बाद आप लॉन्च पे क्लिक करें। की पेयर आप एक नया बना लें और इसे नाम दे दें डॉकर की और डाउनलोड कर लें इसको। इसके डाउनलोड होने के बाद आप इसे लॉन्च पे क्लिक करें। यहाँ पे व्यू इंस्टांसिस पर क्लिक करें तो ये लॉन्च हो रहा है। एक बार ये लॉन्च हो जाए फिर मैं आपको आगे के स्टेप दिखाता हूँ। तो मेरा ये डॉकर मशीन रेडी हो गई है। अब मैं आपको इसे पुट्टी के थ्रू एक्सेस कर लेते हैं पहले। तो आपको पता ही है कैसे करना है, पहले हमें इसका पब्लिक IP कॉपी करना पड़ेगा, उसके बाद हम पुट्टी पे चलते हैं। यहाँ पहले पुट्टी जेन पे जाना पड़ेगा क्योंकि हमें इसकी की जनरेट करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आप लोड पे क्लिक करें। यहाँ मैं डाउनलोड पे चलता हूँ। यहाँ मुझे यहाँ पे ऑल फाइल्स पे क्लिक करना पड़ेगा। डॉकर की आपको यहाँ देखे नजर आ रही है जो मैंने अभी डाउनलोड करी थी, आप इसे सिलेक्ट करके ओपन करें, ओके करें, सेव प्राइवेट की पर क्लिक करें। ये आपसे कुछ पूछेगा, आप यस कर दें। यहाँ पे डेस्कटॉप पे आप इसको सेव कर लें और इसको नाम दे दें डॉकर की और सेव कर लें। अब इसे आप क्लोज करें। अब आप पुट्टी पे क्लिक करें। यहाँ पे पब्लिक IP जो अभी कॉपी करी थी उसे पेस्ट कर दें आप और SSH में जाएं। यहाँ पे ऑथ पे क्लिक करें इसके ऊपर, तो यहाँ देखें इस तरीके से आ जाएगा। आप ब्राउज पे क्लिक करें। डेस्कटॉप पे अभी जो मैंने डॉकर की सेव करी है, डॉकर की .ppk ये होगा एंड में, तो इसको आप ओपन कर लें। ओपन करें, यहाँ यस पे क्लिक करें। लॉग इन एज आ गया। आप इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर लें, चेंज सेटिंग में जाके अपीयरेंस में जाके चेंज करें, 18 कर दें, अप्लाई कर दें। यहाँ पे करें लॉग इन एज EC2-user। तो ये जी लॉगिन हो गया है। अब आपको सबसे पहले sudo su करना है ताकि हम जो है रूट यूजर बन जाएं। और ये लीजिए जी, हम रूट यूजर बन चुके हैं, यहाँ पे नाम भी आ गया लिखा हुआ। अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पहले हम इस लिनक्स मशीन को अपडेट कर लेते हैं, yum update -y, क्योंकि हमें नहीं पता मशीन में क्या क्या चीजें आउटडेट हो चुकी हैं। तो आप इसे अपडेट कर लें। लोडेड प्लग इन प्रायरिटी इज अपडेटेड
नो पैकेज मार्क फॉर अपडेट, तो सब कुछ अपडेट है जी हमारा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब हमें डॉकर इसमें इंस्टॉल करना है, क्योंकि डॉकर पहले से पड़ा है इसलिए हमें उसे डाउनलोड नहीं करना पड़ा। मैंने आपको बताया था यम इंस्टॉल डॉकर और उसके बाद हाइफन वाई लगा दें, क्योंकि बीच में अगर ये पूछता है तो अपने आप ये यस कर देगा। यम इंस्टॉल डॉकर हाइफन वाई कमांड आप लिख कर एंटर करें, तो ये देखें जी डॉकर इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। ये दिखा रहा है कुछ पैकेजेस भी ये डाउनलोड कर रहा है, तो ये यहाँ पे हो रहे हैं, कुछ MB का पैकेज ये डाउनलोड कर रहा है, ठीक है। और ये आपका डॉकर जो है इंस्टॉल होना शुरू हो गया है मशीन के ऊपर। तो लीजिए जी डॉकर मेरा परफेक्ट एकदम इंस्टॉल हो गया है। एक बार चेक भी कर लेते हैं डॉकर इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कमांड हमें लिखनी है विच डॉकर, इसके बाद आप एंटर करें। तो ये देखें जी मेरे को यहाँ डॉकर नजर आ रहा है। मैं विच डॉकर क्यों लिखा, ताकि हमें ये पता चल जाए हमारी मशीन में डॉकर है भी कि नहीं है। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूं अभी विच शेफ, तो मुझे शेफ नजर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने शेफ डाला ही नहीं है। ये देखें ये आ रहा है नो शेफ, तो क्योंकि वो पड़ा है इसलिए वो यहाँ पे नजर आ रहा है आपको, ठीक है ना। रूट यूजर के अंदर, यूएसआर के अंदर, बिन के अंदर और डॉकर मेरे को नजर आ रहा है। तो डॉकर मेरे पास है, ये कंफर्म हो गया, इंस्टॉल हो चुका है। अब इसका वर्जन चेक करने का तरीका क्या होता है कि कौन सा वर्जन मैं डॉकर का चला रहा हूँ। आप करें डॉकर हाइफन वी भी आप लगा सकते हैं, तो ये देखें नजर आएगा आपको डॉकर का वर्जन 19.03.6। इसके अलावा आप डॉकर हाइफन हाइफन वर्जन पूरा भी लिख सकते हैं, तब भी आपको आपका वर्जन नजर आ जाएगा। देखें तब भी आपको नजर आ रहा है। तो आप शॉर्ट फॉर्म में हाइफन वी लिखें या फिर पूरा डबल लगा के, दो स्विच आपको लगाने पड़ेंगे, हाइफन हाइफन वर्जन, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। मैं इस क्लियर स्क्रीन कर देते हैं, ठीक है, कंट्रोल एल करके। अब मेरी स्क्रीन क्लियर हो गई है, अब जरा आगे का काम करते हैं। अब ये देखते हैं जी हमारी डॉकर की जो सर्विस है वो चल रही है कि नहीं चल रही है। तो इसके लिए हमें क्या कमांड देनी पड़ेगी, सर्विस डॉकर स्टेटस, ये हमारी कमांड है, एंटर करते हैं कि हमारी सर्विस का स्टेटस क्या है। तो ये कहता है जी आपका डॉकर तो अभी बंद पड़ा है, आपका जो डॉकर इंजन है वो अभी चालू नहीं है, इसीलिए ना तो वो कंटेनर बना सकता है ना वो कुछ काम कर सकता है। तो अब एक काम करते हैं जी, हमें हमारा डॉकर चेक करना है। अच्छा, इसके अलावा एक और कमांड होती है डॉकर इन्फो, ये भी आप जरा चला के देख लें, डॉकर इन्फो, इससे भी आपको स्टेटस पता चलता है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जी डीबग मोड फॉल्स आ रहा है, कैन नॉट कनेक्ट टू डॉकर डायमंड, ठीक है, यानी मैं कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा डॉकर सर्वर के साथ या डॉकर इंजन के साथ, वो चालू ही नहीं है इसका मतलब। तो इससे भी मुझे पता चल जाता है, ठीक है। आप डॉकर इन्फो कमांड चला सकते हैं, सर्विस डॉकर स्टेटस कमांड चला सकते हैं, दोनों ही कमांड आप चला सकते हैं। अब मैं कहता हूं जी आप मेरी सर्विस को चालू कर दो डॉकर की, तो क्या करना है, बड़ी इजी कमांड है, सर्विस लिखो आप, उसके बाद डॉकर लिखो और बस स्टार्ट लिख दो, सर्विस डॉकर स्टार्ट, यानी स्टार्ट करना है तो स्टार्ट लिख दो, स्टॉप करना है तो स्टॉप लिख दो, बहुत ही आसान कमांड इसके अंदर आपको मिलेंगी, सर्विस डॉकर स्टार्ट, यानी कि मेरी डॉकर की सर्विस को स्टार्ट कर दो, एंटर करिए। ये कहता है जी मैंने आपकी सर्विस को स्टार्ट कर दिया है, ओके ओके आ रहा है, देखो यहाँ पे। अब मेरे को चेक करना है तो मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ कमांड, सर्विस डॉकर स्टेटस, एंटर करिए। तो ये क्या कह रहा है, डॉकर और ये आपकी पैकेज आईडी 2916 इज रनिंग, तो डॉकर आपका रन कर रहा है जी, डॉकर आपका रनिंग कंडीशन में है, अब वो स्टॉप नहीं है। पहले क्या था, पहले डॉकर इज स्टॉप आ रहा था, अब क्या आ रहा है, डॉकर इज रनिंग, यानी कि मेरा डॉकर चालू हो चुका है। अब मैं इसमें अगर डॉकर इन्फो दोबारा वही कमांड चलाऊं डॉकर इन्फो वाली और मैं एंटर करूं, तो ये देखें इस बार ये मुझे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है मेरे डॉकर के बारे में। ये कहता है जी आपका डॉकर किस मशीन पे चल रहा है, लिनक्स पे चल रहा है, ठीक है ना। मैं जिस मशीन के ऊपर चला रहा हूँ, जो मेरी होस्ट मशीन है वो अमेज़न लिनक्स है, ठीक है, और डॉकर का खुद का जो ओएस होता है, टाइप होता है, वो भी लिनक्स होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मुझे यहाँ नजर आ रही हैं, इसकी टोटल मेमोरी कितनी कंज्यूम कर रहा है, 985 MB ये कंज्यूम कर रहा है ना। तो इस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन आपको नजर आ रही है, डॉकर रूट डायरेक्टरी का जो पाथ है वो ये है, रजिस्ट्री जो ये है, ठीक है ना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको डॉकर की यहाँ पे नजर आ रही है। अब इसे भी जरा क्लियर कर लेते हैं और अब जरा आगे बढ़ते हैं। और अब
हम जरा ये देखते हैं कि जो डॉकर के अंदर अभी कोई इमेजेस पड़ी हैं क्या। तो आपको डॉकर स्पेस इमेजेस लिखना है, एंटर करो। तो देखें अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, ये जो जगह है ना ये खाली आ रही है। इसके नीचे रिपोजिटरी टैग के नीचे कुछ आ नहीं रहा, यानी कि कोई इमेज मेरे पास नहीं है। इमेज होगी कैसे, जब तक मैंने कोई कंटेनर ही नहीं बनाया तो इमेज कैसे क्रिएट होगी। इमेज या तो डॉकर फाइल से क्रिएट होगी या आप हब से लेकर आओगे तब वो इमेज क्रिएट करेगा। तो अभी तो मैंने ऐसा कुछ करा ही नहीं है। तो एक काम करते हैं कि अब जरा हम जो है एक कमांड और चलाते हैं पहले, उसके बाद मैं आपको हब पे लेके चलता हूँ। तो एक कमांड चलाएं डॉकर पीएस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है, ठीक है। तो डॉकर पीएस आप कमांड चलाएं, और पीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रोसेस स्टेटस, है ना। तो अब जरा हम डॉकर पीएस कमांड चलाते हैं, इससे मुझे जितने भी रनिंग कंटेनर हैं वो नजर आ जाएंगे। तो ये कहता है जी अभी तो खाली पड़ा है, ये कोई रनिंग कंटेनर है ही नहीं। और अगर मैं डॉकर पीएस हाइफन ए चला दूं तो इससे मुझे रनिंग और स्टॉप दोनों नजर आएंगे। तो स्टॉप भी कोई नहीं पड़ा, रनिंग भी कोई नहीं पड़ा, क्योंकि फ्रेश मशीन है बिल्कुल। तो फिलहाल ये मुझे सब कुछ खाली दिखा रहा है। तो अब एक काम करते हैं, अब पहले हम अपने गूगल क्रोम पे या इस पे चलते हैं एच के ऊपर, और यहां सर्च करते हैं हब डॉट डॉकर डॉट कॉम, और इसको हम इस वेबसाइट पे जाते हैं। यहां देखें ये इस तरीके से नजर आएगा, यहाँ अकाउंट बनाने का ऑप्शन भी आएगा, तो वो जरा हम बाद में बनाएंगे, आज नहीं मैं आपको बना के दिखा रहा। फिलहाल हम यहाँ पे डायरेक्ट सर्च कर लेते हैं, उबुंटू हम सर्च करते हैं, एंटर करते हैं। तो ये देखें इसने मुझे उबुंटू से रिलेटेड जितनी इमेजेस यहाँ पड़ी हैं सब कुछ ये मुझे दिखा रहा है। तो मुझे टॉप पे उबुंटू की इमेज नजर आ रही है, लेकिन मुझे इसे यहां से उठा के वहां नहीं लेके जाना, मुझे जस्ट इसका नाम चेक करना है कि ये यहाँ डॉकर हब में किस नाम से पड़ी है, उबुंटू के नाम से पड़ी है। तो एक काम करते हैं, मैं अपनी मशीन पे जाता हूँ, और मैं अब यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां पे कमांड चलाता हूं डॉकर रन हाइफन आईटी स्पेस उबुंटू फॉरवर्ड स्लैश बिन फॉरवर्ड स्लैश बैश। तो ये मैंने कमांड चलानी है, और एंटर करते हैं। तो ये देखें इसने सबसे पहले क्या कहा कि अनेबल टू फाइंड इमेज लोकली। ये कहता है जी मशीन में तो आपकी इमेज नहीं पड़ी है, मैं एक काम करता हूं मैं पुल करके ले आता हूं। तो देखें ये पुल करके ले आया कहां से, हब से, जबकि मुझे इसे बताना नहीं पड़ा हब पे जाना कैसे क्या करना है। ये अपने आप इतना इंटेलिजेंट होता है कि अपने आप हब से लेकर आ गया। अब लेकर आने के बाद इसने क्या किया, डाउनलोडेड न्यूअर इमेज फॉर उबुंटू, यानी अब इसने एक इमेज बना के अपने पास होस्ट मशीन पे डॉकर इंजन में इसने अपने पास रख ली है एक इमेज बना के, ठीक है। अब अगर मैं चेक भी करना चाहूंगा, मैं देखो आपको चेक करके दिखाता हूं, डॉकर पीएस हाइफन ए, हाइफन ए से क्या होगा, स्टॉप और रनिंग दोनों कंटेनर नजर आएंगे, और इमेज कोई होगी तो वो भी नजर आएगी। ओह सॉरी, अभी मैं कंटेनर के अंदर हूं तो मैंने गलती कर दी, मैं तो ऑलरेडी कंटेनर में आ चुका हूं, क्योंकि मैंने कंटेनर को क्या किया है, रन करा दिया है, ठीक है ना। तो कंटेनर के अंदर हूं मैं, आपको कैसे पता चलेगा, ये देखे मेरी कंटेनर की आईडी ये रही, एंड में 73 है, तो मैं अभी कंटेनर के अंदर हूं। तो यानी अब मैं अपने कंटेनर के अंदर जो कुछ काम करना चाहूं कर सकता हूं। अब मैं इस कंटेनर में काम करता हूं, फिर मैं एलएस करके देख लेता हूं। तो ये देखें कंटेनर के अंदर मुझे इतने सारे ये सब नजर आ रही हैं फाइलें। अब मैं जरा इसे क्लियर कर लूं पहले। अब मैं कंटेनर के अंदर हूं फिलहाल, आपको यह नजर आ रहा है अभी मैं कंटेनर के अंदर हूं, ठीक है, डॉकर कंटेनर के अंदर। अब मैं यहाँ पे जरा एक फाइल चेक करता हूँ, मैं ये चेक करता हूँ कि मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉकर का वो कौन सा है, कौन सा वर्जन मैं चला रहा हूँ, मैं ये चेक करता हूँ ओएस रिलीज। तो ये क्या कहता है, आप उबुंटू चला रहे हो, ठीक है, आप कंटेनर पे क्या चला रहे हो ये मुझे अगर पता करना है तो ये कमांड है, आपको पता है ना, स्लैश फॉरवर्ड स्लैश etc फॉरवर्ड स्लैश os हाइफन रिलीज में जाना है। अब ये कहता है जी कि इस कंटेनर पे उबुंटू चल रहा है और उबुंटू का वर्जन ये वाला चल रहा है, ठीक है, आईडी आपकी उबुंटू है, आईडी लाइक डेबियन फैमिली है, और ये सारी बातें यहाँ पे ये बता रहा है। तो ये कंटेनर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है मुझे यहाँ नजर आ गई, कंटेनर पे कौन सा चल रहा है, कौन सा क्या चीज चल रही है, उबुंटू चल रहा है जी। तो ये बात भी समझ आ गई। अब मैं कंटेनर से बाहर आना चाहता हूँ, तो एग्जिट आप कर दें और बाहर आ जाए, ऐसा करने से कंटेनर आपका स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब आपका कंटेनर रनिंग नहीं है, आप जैसे ही एग्जिट करेंगे कंटेनर क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। अब मैं जरा डॉकर इमेज, अब मैं चेक करता हूं, इमेजेस करना है, एस लगाना है आपने, डॉकर इमेजेस होता है, ठीक है, और एंटर करें।
ये देखें, इस बार आपको एक इमेज नजर आ रही है उबुंटू की। ये कहता है जी हाँ, आपने एक उबुंटू की इमेज आपके पास पड़ी है जिसका साइज कितना है, सिर्फ 73 MB। ठीक है, तो ये इमेज मेरे पास है। अब मैं अगर इसी से दोबारा डॉकर कंटेनर चलाना चाहूं तो वो भी मैं चला सकता हूं। अब की बार मेरा नया कंटेनर बनेगा, तो मैं दोबारा से यहां पे वही कमांड चलाता हूं, ये वाली डॉकर रन हाइफन आईटी और स्पेस देके उबुंटू, यही वाली सेम कमांड में चलाता हूं। तो ये देखें, लेकिन इस बार मेरा नया कंटेनर बना है। ठीक है, इस बार मेरा नया कंटेनर बना है। एंड में क्या लिखा है, 6E7 लिखा है, जबकि पहले क्या था, 73 था। यानी जब आप कंटेनर को स्टॉप कर देते हैं और दोबारा से आप कंटेनर को रन कराते हैं तो नया कंटेनर क्रिएट होता है, पुराना नहीं क्रिएट होता। पुराने वाला चलाना चाहते हैं वो चला सकते हैं आप उसको भी, बट अभी जब आप ये कमांड दोबारा चलाएंगे तो हर बार एक नया कंटेनर क्रिएट होगा। तो देखिए जी, क्लियर, कंटेनर क्रिएट हो गया। अब मैं कंटेनर के अंदर आ गया, मैं दोबारा बाहर आ जाता हूँ, एग्जिट करता हूँ। अब मैं एग्जिट कर गया, ये कंटेनर भी स्टॉप हो गया। अब मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ डॉकर पीएस। डॉकर पीएस से मुझे रनिंग कंटेनर नजर आएंगे, जितने भी कंटेनर अभी रनिंग है। एंटर करते हैं तो ये कहता है जी कोई भी कंटेनर रनिंग नहीं है। तो मैं कहता हूं बिल्कुल सही बात है, कोई कंटेनर रनिंग नहीं है, क्लियर कर दो स्क्रीन को। अब मैं कहता हूं जी डॉकर पीएस हाइफन ए चलाइए, इससे रनिंग और स्टॉप दोनों कंटेनर नजर आ जाएंगे। तो एंटर करिए, तो ये देखें दो कंटेनर आपके हैं स्टॉप पड़े हुए, दोनों उबुंटू हैं। एक की आईडी के एंड में 73 है, एक के 6E7 है। बिल्कुल सही बात है ना। दोनों का नाम क्या है, देखिए नाम देखें आप, रिलैक्स्ड सैंडरसन, ब्लिसफुल मॉजर, अजीब अजीब से नाम होते हैं, ये रैंडमली क्रिएट होते हैं। तो ये नाम इसका कुछ भी है, आप ये चाहें तो आप ये नाम बदल के अपनी पसंद का नाम भी रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो आपको ये नजर आ रहा है क्रिएट कब हुआ था। ये देखें ऊपर जो आएगा ना, ये रिसेंट वाला होता है, यानी सबसे पहले जो आपने अभी जो बिल्कुल रिसेंटली बनाया है वो ऊपर आएगा, उससे पुराने वाले उससे नीचे नजर आएंगे। तो ये 4 मिनट पहले बनाया था, ये वाला जस्ट अभी 1 मिनट पहले बनाया है। तो दोनों कंटेनर आपको नजर आ रहे हैं, बट दोनों अभी क्या है, स्टॉप कंडीशन में है। ठीक है, एग्जिटेड लिखा हुआ है, स्टेटस क्या है, एग्जिटेड, एग्जिटेड मतलब स्टॉप है ये अभी। अब जरा ये बताइए कि यहां पर डॉकर इमेजेस जो है मेरे पास इस बार कितनी नजर आएंगी। एंटर करें या पहले आप सोच ले कितनी नजर आएंगी, आपको क्या लगता है। देखिए दो कंटेनर बने हैं मेरे, तो डॉकर इमेजेस कितनी नजर आनी चाहिए, एक ही नजर आएगी यार। बिल्कुल सही बात है, इमेजेस तो दो क्यों नजर आएंगे, कंटेनर बन रहा है, एक ही इमेज से मल्टीपल कंटेनर आप बना सकते हो, इमेज तो एक ही रहेगी ना उबुंटू की, इससे आप कितने भी कंटेनर बना लो कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ रही है। अब मैं आपको दोबारा हब पे लेके चलता हूं। अब की बार हम यहां पे सर्च करते हैं सेंटोएस, तो ये देखिए सेंटोएस नजर आ रहा है मुझे, है ना। तो एक काम करते हैं कि सेंटोएस को करके देखते हैं। ये मैं इसको सर्च यहां इसलिए करता हूं क्योंकि यहां जो नाम आपको नजर आ रहा है ना, आपको यही नाम वहां टाइप करना है एग्जैक्ट। तो यहां पे जो इसकी स्पेलिंग लिखी है वही आपको वहां लिखनी है। तो अब आप यहां पे जाएं और आप यहां पे लिखें, या वही कमांड आप चला लें जो आपने पहले चलाई थी, रन वाली कमांड आपकी सेम रहेगी। यहां अब की बार आप उबुंटू की जगह यहां क्या लिखेंगे, सेंट ओएस लिखेंगे, स्पेस करें और एंटर करें। ये कहता है जी ये लोकली तो मुझे नहीं मिल रही है। अब ये क्या करेगा, ये दोबारा जाएगा हब के पास और वहां से देखिए अपने आप उठा के लाएगा, यानी आपको इसे बताना ही नहीं है, इतना इंटेलिजेंट है। देखिए इसने अपने आप काम कर दिया। अब आप अगर इमेजेस देखना चाहें ना, डॉकर इमेजेस, तो मैं आपको देखो, अभी तो मैं कंटेनर के अंदर हूं, अभी तो मैं कंटेनर के अंदर हूं, तो मैं एग्जिट कर लेता हूं पहले। अब आप यहां कमांड चलाएं डॉकर इमेजेस, ओ सॉरी मैंने गलत कमांड लिख दी, डॉकर इमेजेस। और ये देखें इस बार आपको दो इमेज नजर आ रही है, यानी उबुंटू भी अब मेरे पास पड़ी हुई है, सेंट ओएस भी। इसका मतलब ये है कि अब अगर मैं ये कंटेनर रन करूंगा या क्रिएट करूंगा तो अब इसे वहां जाकर डाउनलोड नहीं करनी पड़ेंगी फाइलें जैसे अभी करनी पड़ रही थी इसको। अब ये डायरेक्ट इसको चला देगा, विद इन सेकेंड, विद इन माइक्रो सेकेंड से इसको रन कर देगा। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें ये मैं कमांड चला रहा हूं। अच्छा, ये हाइफन आईटी जो है इन्हें आप एक साथ लिखें या अलग अलग भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। मैं आपको अलग अलग भी लिख के दिखा देता हूँ, हाइफन आई हाइफन टी, और मैं यहां पे एंटर करता हूं। तो ये देखें एकदम से चल गया, विद इन सेकेंड से चल गया, और कंटेनर आईडी क्या है, 211। अब मैं यहां पे अगर देखना चाहूं डॉकर इन्फो, सॉरी डॉकर इन्फो नहीं लिखना, मैंने
मैंने तो कंटेनर की इन्फो चाहिए, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कैट फॉरवर्ड स्लैश ईटीसी फॉरवर्ड स्लैश ओएस रिलीज। तो मैं देखना चाहता हूँ इस कंटेनर के अंदर कौन सा ओएस चल रहा है। तो ये क्या कहता है जी, सेंटोस लिनक्स आप चला रहे हैं, ठीक है। तो ये भी नजर आ रहा है, और ये फेडोरा फैमिली का है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ नजर आ रही हैं। अब मैं कहता हूँ जी ठीक है, आप इस कंटेनर से बाहर आ जाओ। मैं कंटेनर से बाहर आ गया। अब मैं यहाँ पे डॉकर पी एस करूं, अगर डॉकर पी एस हाइफन ए अगर मैं करूं, तो मुझे क्या नजर आ रहा है, ये देखें मुझे अब की बार दो सेंटोस के कंटेनर नजर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने दो बार बनाए थे, ठीक है। और दो बार मुझे उबंटू के कंटेनर नजर आ रहे हैं। ये सारे स्टॉप है, ये सारे स्टॉप कंटेनर, रनिंग कोई नहीं है। हाइफन ए जब आप करते हैं तो आपको रनिंग और स्टॉप दोनों नजर आते हैं, बट ये चारों के चारों स्टॉप है, क्योंकि हमने चारों एग्जिट किए हुए हैं, ठीक है। तो मैंने ये दो बार किया था, तो दो बार मेरा सेंटोस बन गया, देखें। और नाम इनका क्या आ रहा है, इंटरेस्टिंग ब्रह्म गुप्ता, अरे वाह यार ये तो इंडियन सा लग रहा है। गैलेंट रामानुजन, ये भी इंडियन सा लग रहा है, क्या बात है, सेंटोस में तो बड़े बढ़िया नाम आ रहे हैं। तो चलिए ये आपको चारों नजर भी आ गए, अच्छी बात है। अब मैं दोबारा हब में लेके चलता हूँ। अब की बार यहां पे सर्च करते हैं जेनकिंस, तो देखें ये जेनकिंस पड़ा हुआ है, इसकी इमेज पड़ी हुई है, ऑफिशियल इमेज यहां पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। 10 मिलियन प्लस लोगों ने डाउनलोड किया है, और ये 13 आवर्स पहले अपडेटेड हुई है। तो ये डॉकर हब का फायदा है, यहां पे कम्युनिटी इतनी इफेक्टिव है, इतनी फास्ट है, पॉपुलर है, कि ये इस पर रेगुलर अपडेट्स होते रहते हैं। तो आपको बढ़िया इमेज कंटेनर में एकदम बढ़िया आपको बनाने के लिए इमेजेस सारी यहीं पर मिल जाती हैं, बहुत सारी इमेजेस जैसी जैसी आपको चाहिए सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगी। तो यहाँ अगर मैं जेनकिंस लिख, ये देखे नजर आ रहा है, ये इसकी ऑफिशियल इमेज है मेरे पास। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना है, अगर मुझे ये इमेज चलानी है, तो मैं कहता हूं कि इस बार मैं इमेज चलाना नहीं चाहता, रन नहीं कराना चाहता, बस लाकर रख लेना चाहता हूं, ताकि फ्यूचर में अगर मुझे कभी कंटेनर बनाना पड़े तो मेरा सेकेंड डोमेन बन जाए। तो इसके लिए मैं इसे लाके रख लेता हूं हब में से। तो मैं पुल करूंगा, पुल से क्या होगा, ये हब से उठा के लाके उसकी इमेज बना के अपने पास रख लेगा। तो मैं कहता हूं डॉकर पुल और जेनकिंस, जो स्पेलिंग वहां है वही आपको यहां लिखनी है, आप एंटर करें। तो ये देखें अब ये एक एक करके लेयर्ड के फॉर्म में, मैंने आपको बताया था कि डॉकर में लेयरिंग सिस्टम होता है, लेयर्ड सिस्टम होता है। देखें एक एक करके ये सारी लेयर्स को डाउनलोड करता जा रहा है, पुल कर रहा है कंप्लीट कर रहा है, पुल कर रहा है कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। ये इन्हें वन बाय वन डाउनलोड कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो लीजिए जी मेरा जो जेनकिंस है वो डाउनलोड हो चुका है, उसकी इमेज रेडी हो चुकी है। अगर आप देखना चाहें इमेज है कि नहीं है, तो डॉकर इमेजेस आपको पता है कमांड होती है, एंटर करें। और ये देखें आपको जेनकिंस की इमेज भी अब आपके मशीन पे लोकली नजर आ रही है, यानी अगर आप इससे कंटेनर अब बनाना चाहो तो सेकंडों में बन जाएगा। और इसका साइज कितना दिखा रहा है, 696 MB दिखा रहा है। इसी तरीके से अब अगर मैं यहाँ पे हब पे जाऊं और मैं शेफ सर्च करूं, जो कि हम कर चुके हैं पहले, पढ़ चुके हैं, तो मैं शेफ को सर्च करता हूं, तो देखें मुझे यहाँ शेफ की एक इमेज नजर आ रही है, शेफ फॉरवर्ड स्लैश शेफ डीके। तो मैं कहता हूँ जी ठीक है, आप इसको इसका एक कंटेनर बना दे जिसमें शेफ पड़ा हो। तो मैं कहता हूँ ठीक है, तो यहाँ पे इसको पहले क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं, और मैं अब कमांड चलाता हूँ डॉकर पुल, मैं पुल कर लेता हूँ, बाद में हम उसको रन कर लेंगे, ठीक है। शेफ फॉरवर्ड स्लैश शेफ डीके, तो ये वहां पे लिखा हुआ था, तो आपको एज इट इज नाम लिखना है और एंटर करें। तो ये देखें आप, ये एक एक करके सारी फाइल्स पुल कर रहा है लेयर्ड की फॉर्म में, और ये इसकी इमेज बना के अपने पास रख लेगा। तो ये भी बन गई है। अब हम एक दोबारा चेक करते हैं कि कितनी इमेजेस हमारे पास पड़ी हैं। तो इस बार देखें हमें शेफ की भी इमेज नजर आ रही है, शेफ स्लैश फॉरवर्ड स्लैश शेफ डीके, तो ये भी आपको नजर आ रही है, 820 MB की फाइल है। अब हम कहते हैं कि जी इसको रन भी करके दिखाओ, तो डॉकर रन, और आप देखना एकदम से रन हो जाएगी, -it स्पेस शेफ फॉरवर्ड स्लैश शेफ डीके, और इसके बाद बिन बैश कमांड आपको चलानी है, बिन और बैश, और एंटर आप करें। ये देखें 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर ये तुरंत बन गया, और एक नई आईडी आ गई B81। तो ये देखिए इतना इजी है, कंटेनर 1 सेकंड में रेडी हो जाएगा, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तुरंत आपकी वो चीज चल जाएगी जो इमेज आपके पास होगी, वो एकदम से रन हो जाएगी। तो यही इस कंटेनराइजेशन का फायदा है। अब मैं देखना चाहूं विच शेफ, तो मैं वो भी देख सकता हूं,
विच शेफ। तो ये देखें, ये दिखा रहा है कि जी आप इस तरीके से शेफ डी के फॉरवर्ड स्लैश बिन और उसके अंदर शेफ, आप इसके अंदर हैं, ठीक है ना। मैं एलएस करूंगा तो एलएस भी आप देख सकते हैं, मुझे कुछ फाइल्स नजर आ रही हैं इस कंटेनर के अंदर, सब कुछ आपको नजर आ रहा है। आपका शेफ वाला जो काम है आप सब कुछ कर सकते हैं, समझ आ रही है बात। अब मैं अगर इस शेफ का वर्जन चेक करना चाहूं तो हाइफन वी लगा दें, एंटर करें, तो ये कह रहा है जी 4.9.7, ये वर्जन आपका चल रहा है शेफ डीके का। इंफ्रा क्लाइंट का वर्जन ये चल रहा है, किचन का ये है, फूड क्रिटिक का ये है, ये सारे वर्जन आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो ये मेरे सारे वर्जन है जो चल रहे हैं। अब मैं कहता हूं जी आपने बहुत अच्छा काम कर दिया, आप एग्जिट करें, मैं कंटेनर से बाहर आ गया। देखिए कंटेनर की आईडी थी B81, तो मैं इस कंटेनर से बाहर आ चुका हूं। अब देखिए ये सारी चीजें मैंने यहां पे आपको हब पे मैं सर्च कर रहा हूं एक एक करके। मैं अगर यहां पे उबुंटू सर्च कर रहा हूं तो उबुंटू की मेरे पास जितनी इमेजेस हैं वो सारी नजर आ रही हैं, ठीक है ना। लेकिन अब यही सारी चीजें, क्योंकि मैं हब पे नहीं जा सकता, जब मैं लिनक्स मशीन पे काम कर रहा हूं तो मुझे यहीं रहकर सब कुछ करना है, तो कंट्रोल एल करके इसे क्लियर कर लेते हैं पहले। तो मैं यहीं पर रहते हुए, मैं बिना हब पर जाए कैसे चेक कर सकता हूं कि हब में कौन कौन सी इमेजेस पड़ी हैं उबुंटू की? तो कुछ नहीं करना, बड़ी सिंपल कमांड है डॉकर सर्च। मैं सर्च करना चाहता हूं किसको? उबुंटू को सर्च करना चाहता हूं। तो डॉकर हब में जितनी भी इमेजेस पड़ी होंगी उन सबकी डिटेल ये मुझे यही दिखा देगा। ये देखें, एंटर करता हूं मैं, ये देखें ये सारी इमेजेस डॉकर हब पे पड़ी हुई हैं। ये कह रहा है जी ये सारी इमेजेस पड़ी हुई हैं डॉकर हब के ऊपर, तो आप यहां से जो इमेज चाहें उसे आप पुल कर सकते हैं, उसे आप रन करा सकते हैं। ये सारी इमेजेस आपको यहां भी नजर आ जाएंगी, जरूरी नहीं है कि आप हब के ऊपर जाएं वहां पर देखें तभी हो पाएगा, आप यहां सर्च कर सकते हैं। जैसे आप अब दोबारा सर्च करें डॉकर सर्च जेनकिंस, आप ये सर्च करें तो ये देखें जेनकिंस से रिलेटेड जितनी इमेजें हैं वो सारी इमेजेस मेरे को यहां पे नजर आ रही हैं। तो इस तरीके से आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कंट्रोल एल करके क्लियर कर लेते हैं। अब देखें अब तक क्या हो रहा था कि मेरे जो कंटेनर थे वो कंटेनर पे अपने आप एक डिफॉल्ट एक अजीब सा नाम आ रहा था। अब हम कंटेनर को अपने नाम से क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कमांड होती है? डॉकर रन हाइफन आईटी, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। अब आप जो नाम देना चाहते हैं उसके लिए डबल आप दो बार हाइफन लगा के नेम लिखें, इससे वो अपने आप एंटर हो जाएगा, नेम चीज बन जाएगी, जो भी नेम आप देना चाहते हैं। और आप नेम देना चाहते हैं कंटेनर को भूपिंदर, ठीक है, भूपिंदर राजपूत आप इस कंटेनर को नाम देना चाहते हैं। तो आप कहते हैं कि मैं इस नाम से कंटेनर बनाना चाहता हूँ और कौन सी इमेज मैं उठाना चाहता हूँ, उबुंटू में अपने कंटेनर पे चलाना चाहता हूँ, और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश बिन फॉरवर्ड स्लैश बैश। और इससे क्या होगा, अब मेरे जो कंटेनर का नाम होगा वो भूपेंद्र राजपूत हो जाएगा, ठीक है। आप एंटर करें तो मैं अपने कंटेनर के अंदर आ गया हूं, ठीक है। अब मैं इसे एग्जिट कर देता हूं। अब मैं यहां पे अपने कंटेनर का नाम देखना चाहता हूं तो क्या कमांड होगी? डॉकर पीएस स्पेस हाइफन ए, ताकि स्टॉप और रनिंग कंटेनर दोनों नजर आ जाएं। तो ये देखें अब की बार जो बिल्कुल लेटेस्ट वाला नजर आ रहा है वो मुझे क्या नाम नजर आ रहा है? भूपिंदर राजपूत। नेम के नीचे क्या नजर आ रहा है? भूपिंदर राजपूत, जबकि उससे पहले स्वीट वाइज इंटरेस्टिंग ब्रह्मगुप्ता और ये सब आ रहे थे। लेकिन मैंने अब अपने कंटेनर का नाम अपनी मर्जी से दिया है, तो नाम देने का क्या तरीका है ये आपको नजर आ गया, ठीक है। तो ये मेरा कंटेनर है। अब ये कंटेनर मेरे सारे स्टॉप है, ये सारे एग्जिट कर चुका हूं मैं, तो अभी ये सारे स्टॉप पड़े हुए हैं। तो अगर मैं इस कंटेनर को, किसी स्पेसिफिक कंटेनर को, इनमें से किसी भी कंटेनर को मैं रन कराना चाहता हूं, स्टार्ट करना चाहता हूं, स्टॉप कंटेनर को स्टार्ट करना चाहता हूं, तो उसका क्या तरीका है वो जरा देख लेते हैं। बड़ा सिंपल सा तरीका है, आपने लिखना है डॉकर उसके बाद स्टार्ट, तो स्टार्ट का मतलब क्या करना है? कंटेनर स्टार्ट करना है, और उसका नाम। तो अब मैं कहता हूं कि आप भूपिंदर राजपूत को स्टार्ट कर दो, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूं और यहां पर राइट क्लिक करता हूं, अपने आप पेस्ट हो जाएगा, और एंटर। तो ये देखें जी भूपिंदर राजपूत स्टार्ट हो गया, ठीक है। अगर ये नाम आपको यहां नजर आ रहा है ना दोबारा से, तो इसका मतलब है ये कंटेनर स्टार्ट हो चुका है। अब आप अगर इसका स्टेटस देखना चाहें कि ये स्टार्ट है कि नहीं है, तो आप डॉकर पीएस कर लें। देखें इस बार आपको एक कंटेनर यहां नजर आ रहा है भूपिंदर राजपूत के नाम से, यानी ये कंटेनर अभी क्या है? रनिंग है, स्टार्ट है। डॉकर पीएस मैंने आपको बताया था ना, इससे रनिंग कंटेनर नजर आते हैं, तो ये वाला कंटेनर क्या हो चुका है? स्टार्ट हो चुका है। अब मैं कहता हूं जी एक और कंटेनर स्टार्ट कर लो, डॉकर स्टार्ट, और कौन से वाला करना है? मैं कहता हूं जी इंटरेस्टिंग ब्रह्मगुप्ता कर लो,
और इसे यहां लाके कॉपी कर दो और एंटर करो। तो देखें जी, ये भी स्टार्ट हो गया। अब की बार मैं जब डॉकर पीएस करूंगा तो मुझे दो कंटेनर नजर आएंगे रनिंग। ये देखें, दो नजर आ रहे हैं, एक भूपिंदर राजपूत नजर आ रहा है और एक इंटरेस्टिंग ब्रह्मगुप्ता नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप डॉकर कंटेनर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं अगर इस कंटेनर के रनिंग कंटेनर के अंदर जाना चाहता हूँ, भूपिंदर राजपूत के अंदर जाना चाहता हूँ, ये स्टार्ट तो हो गया अब, लेकिन मुझे इसके अंदर जाना है, इस पे काम करना है, तो उसके लिए कमांड क्या है? डॉकर अटैच और कंटेनर का नाम। बड़ी सिंपल सी कमांड है। आप यहां इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर दे माउस का, ये अपने आप पेस्ट हो जाएगा, एंटर करें। ये देखें, मैं कंटेनर के अंदर आ गया, 3 4 DAB। आप यहां पे देखें, आईडी चेक करें जरा अपने कंटेनर की, यहां पे आईडी क्या है? 3 4 DAB, यानी इस बार यही कंटेनर क्रिएट वो चालू हुआ है, पुराने वाला ही, इस बार नया क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है ना, बिल्कुल सेम है। देखें, आप आईडी चेक करेंगे ना, आपको सेम मिलेगी। तो आपका स्टॉप जो कंटेनर था वही चालू हो गया और मैं उसके अंदर आ गया। डॉकर अटैच से हम अंदर आ जाते हैं। अब इस कंटेनर के कमांड लाइन पे हम आ चुके हैं, जो भी करना चाहें, जो भी रनिंग स्टेटस देखना चाहें वो हम देख सकते हैं। अब मैं कहता हूं यार, इसको आप एक काम करो, आपने ये स्टार्ट तो कर दिया, अब आप इसे स्टॉप कर दो। अच्छा, तो ये मुझे अभी नजर नहीं आएगा, ये मुझे, क्योंकि मैं अभी अपने कंटेनर के अंदर हूं, तो अंदर रहकर मैं नहीं कर सकता। मैं एक काम करता हूं, मैं इसे एग्जिट कर लेता हूं, मैं बाहर आ गया। अब मैं कहता हूं कि आप मेरे जो है, एक बार पहले मैं इसे स्टार्ट करता हूं, इस कंटेनर को दोबारा, तो मैं इसे स्टार्ट कर लेता हूं। ये मेरा कंटेनर स्टार्ट हो गया। अब मैं इसे स्टॉप करना चाहता हूं, मेरा कंटेनर स्टार्ट है, मैं इसे स्टॉप करना चाहता हूं, तो कमांड क्या होगी? स्टार्ट की जगह स्टॉप लगा दो, डॉकर स्टॉप, और यही नाम आप जो है ये वाला, इसे यहां पे पेस्ट कर दो। तो ये मेरा स्टॉप हो गया। ठीक है, डॉकर स्टॉप भूपिंदर राजपूत करने से ये मेरा स्टॉप हो गया। अब मैं इस कंटेनर को डिलीट करना चाहता हूं, तो देखें, अभी पहले मैं आपको दिखा देता हूं, डॉकर PS-A आप करेंगे तो अभी आपको भूपिंदर राजपूत नजर आ रहा है। ठीक है, भूपिंदर राजपूत नाम का कंटेनर नजर आ रहा है, लेकिन वो आप एग्जिट कर चुके हैं। अब मैं कहता हूं यार, इसको डिलीट कर दो, इस कंटेनर को मुझे अब ये कंटेनर चाहिए ही नहीं। तो क्या कमांड होगी? डॉकर RM, RM से रिली आपको रिमूव करने के लिए, और कंटेनर का नाम। तो मैं यहाँ पे भूपिंदर राजपूत, ये जो मैंने किया है, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ राइट क्लिक करके, एंटर, डिलीट हो गया। मैं कहता हूँ यही कमांड दोबारा चलाओ और एक और कंटेनर डिलीट कर दो, आप ये वाला डिलीट कर दो, इंटरेस्टिंग ब्रह्मगुप्ता, एंटर। ये नहीं होगा डिलीट, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये रनिंग है, ये अभी आपने स्टॉप ही नहीं किया। स्टॉप द कंटेनर बिफोर अटेम्प्टिंग रिमूवल, देखा, ये रिमूव नहीं हुआ अभी। इसको रिमूव करना है तो आपको स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये कंटेनर जो है, ये आपने एग्जिट तो कर दिए बट प्रॉपरली ये बाकी सारे स्टॉप है। देखिए, मैं इसको मैंने स्टार्ट किया था, आपको याद हो तो मैंने अभी जस्ट ये दो कंटेनर स्टार्ट किए थे, है ना? तो इंटरेस्टिंग ब्रह्मपुत्रा भी मैंने, ये ब्रह्मगुप्ता भी मैंने स्टार्ट किया था। तो एक काम करते हैं, दूसरे को अप करके देखते हैं, मैं दूसरा रिमूव करता हूं। तो मैं कहता हूं कि आप इसको ना करके जो पहले से स्टॉप पड़े हैं उन्हें आप रिमूव कर दो। तो ये ब्लिसफुल मोजर जो है, इसे हम सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं और एंटर करते हैं, ये भी हो गया। मैं कहता हूं आप एक और डिलीट कर दो, मैं सारे स्टॉप कंटेनर डिलीट करना चाहता हूं। तो रिलैक्स्ड सैंडरसन जो है, इसे भी आप डिलीट कर दें, ये भी डिलीट हो गया। अब कैसे पता चलेगा ये डिलीट हो गए? वही कमांड है, डॉकर PS-A, तो जितने स्टॉप कंटेनर होंगे आपके सारे नजर आ जाएंगे और जो रनिंग होगा वो भी नजर आ जाएगा। तो देखें, ये वाला रनिंग है मेरा, अप 22 मिनट्स, ये इंटरेस्टिंग ब्रह्मगुप्ता आपको नजर आ रहा है। बाकी सारे स्टॉप है, एग्जिटेड एग्जिटेड एग्जिटेड, पर ये वाला मेरा रनिंग है, ये अप 2 मिनट्स दिखा रहा है, यानी कि 2 मिनट से ये अप है। तो अब मैं एंटर करता हूं, ये देखें, डिलीट हो गया। ये वाला रिलैक्स एंडरसन डिलीट हो चुका है, भूपिंदर राजपूत डिलीट हो चुका है, जो जो मैंने डिलीट किए थे सारे डिलीट हो गए। ब्लिसफुल मोजर मैंने डिलीट किया था, ये वाला ब्लिसफुल मोजर देखें, ये भी यहाँ डिलीट हो गया। तो अब मेरे पास तीन कंटेनर बचे हैं, जिसमें से एक है स्वीट वाइल्स, एक बचा है इंटरेस्टिंग ब्रह्मगुप्ता, ये तो रनिंग है, यहाँ पे दिखा भी रहा है, 4 मिनट से चल रहा है ये। तो इस तरीके से कौन सा कंटेनर रनिंग है, कौन सा स्टॉप है, उसे डिलीट कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है, ये बहुत सारी दिलचस्प कमांड हैं जो आज हमने सीखी हैं। आई होप कंटेनर पे इतना काम करना आपको आ गया होगा। तो आपने अगर कोई भी कंटेनर डिलीट करना है तो पहले उसको स्टॉप करना है। अगर आप एग्जिट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है, तब तो आप उसे डिलीट कर सकते हैं, बट अगर रनिंग है तो आप उसे पहले स्टॉप करें। जैसे ये इंटरेस्टिंग ब्रह्मगुप्ता जो है, ये अभी मेरा क्या है,
ये मेरा अप है, 4 मिनट से चालू है, ठीक है ना। अब मैं इसके अंदर अगर जाना चाहता हूं तो कैसे जाएंगे, डॉकर अटैच और इसका नाम आप यहां पे डाल दें कंटेनर का। देखिए मैं इसके अंदर आ गया, C211 यानी यही वाली कंटेनर आईडी है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे एग्जिट करना पड़ेगा, एंटर, तो मैं बाहर आ गया। अब ये स्टॉप हो गया, आप देख सकते थे, इसका स्टेटस मैं आपको दिखाता हूं, डॉकर पीएस हाइफन ए, एंटर करें, ये देखें अब ये एग्जिट हो चुका है, अब ये एग्जिट है। अब आप इसे डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं आप। अब डॉकर आरएम वाली कमांड दोबारा चलाएं और यहां पे अब की बार इसका नाम पेस्ट कर दें, इंटरेस्टिंग ब्रह्मगुप्ता, और यहां पे आप पेस्ट कर दें, एंटर करें, ये डिलीट हो गया। अब मैं आपको दिखा देता हूं ये डिलीट हुआ है नहीं हुआ है, डॉकर पीएस हाइफन ए, ये देखें जी अब सिर्फ दो कंटेनर रह गए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला डिलीट हो चुका है, इंटरेस्टिंग ब्रह्मगुप्ता डिलीट हो चुका है, स्वीट वाइस और गैलेंट रामानुजन, ये दो बचे हैं। तो ये तरीका है कंटेनर को चालू करने का, स्टार्ट करने का, स्टॉप करने का। आई होप आज की बेसिक फंडामेंटल लैब आपको समझ आ गई होगी, और चलिए अब चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। आई होप यार आपको लैब बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी, आपने सब कुछ करके देख लिया होगा, कोई मसला नहीं हुआ होगा। फिर भी कोई टेंशन है, डोंट वरी, आने वाले लेक्चर्स में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, परेशान नहीं होना है, दिमाग में डाउट मत लाइए। जब डॉकर का पूरा, अभी आने वाले और 3-4 लेक्चर 5 लेक्चर डॉकर पे आने वाले हैं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए बात को किसी खूबसूरत शेर के साथ खत्म करते हैं। जिगर मुरादाबादी का एक शेर बड़ा अच्छा है कि सबको मारा जिगर के शेरों ने, सबको मारा जिगर के शेरों ने और जिगर को शराब ने मारा। यूं जिंदगी गुजार रहा हूं तेरे बगैर, यूं जिंदगी गुजार रहा हूं तेरे बगैर, जैसे कोई गुनाह किए जा रहा हूं मैं। तो चलिए यार, सपोर्ट बनाए रखें, मोहब्बत बनाए रखें, शेरो शायरी भी चलती रहेगी, लेक्चर्स भी चलते रहेंगे, और आप लोगों के साथ टेक्निकल गुफ्तगू यूं ही गुफ्तगू करती रहे। आबाद रहें आप लोग, खुशियों के साथ जिंदगी को जिए और ज्यादा टेंशन ना लें। डेवऑप्स भी हो जाएगा, AWS भी हो जाएगा, आने वाले वक्त में गूगल क्लाउड पे भी काम करेंगे, कुबरनीट्स एसोसिएट के भी लेक्चर्स लेके आएंगे, सब कुछ करेंगे। थोड़े से सब्र से काम लें, सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, और कमेंट में भी जरूर बताएं कि ये लैब परफेक्ट हो गई है या नहीं हुई है। ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।